लगता है यार प्रीतम भैया की डेयरी यही है यार। हाँ यही है, बो रहे प्रीतम भैया भी, वो बैठे। प्रीतम भैया, जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आओ, कहाँ से आए? भैया। मैं आपके बगल के गांव से आया हूँ, मेरे पास भी एक पाड़ा है हाँ, यार, वो ना तो ठीक से सर्विस दे रहा है। उसको मैंने अंडे वंडे सब कुछ खिला लिए, लेकिन फिर भी उसकी सर्विस ठीक नहीं हो पा रही। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप थोड़ा उसके बारे में जानकारी दो मेरे को। मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी कोई मेरे पास आना चाह रहा है, जैसे आप भी आए परेशान होते होते, आप पूछते पूछते आए होंगे, बेशक बात है। मेरा यूट्यूब चैनल प्रीतम साकला राजपूत है, जिसके फर्स्ट ब्लॉग में मैंने पूरा एड्रेस डाला है कि आपको कैसे आना है। किसी से भी नहीं पूछना है आपको, वीडियो शूट करने के साथ साथ पूरा एड्रेस मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। उसके बाद में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो जानकारी आपकी उसमें पूरी मिलेगी, जो जानकारी नहीं है। कोई कोई सी जानकारी छूट गई है, तो हर शनिवार को मैं एक यूट्यूब पर वीडियो शूट करता हूँ। आप यूट्यूब खोलिए आपके आईडी में और उस पर सर्च कीजिए प्रीतम साखला राजपूत, बेल का आइकन की जो घंटी होती है उस पर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे पास अभी यूट्यूब पे गई वीडियो, मैंने जो बाली की डाइटिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें एक भाई साहब ने कमेंट की थी, और उसमें दो कमेंट और आई है कि भीम की डाइटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। एक तो रुपेंद्र भिलाला और एक रामजी यादव, दो भाई ने कमेंट किए, और साथ में ये भैया भी आए हैं। मैं इनको बता दूं, है तो ये मेरा भतीजा ही, पर एक नई स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश है हमारी कि कुछ बेहतर करे, कुछ बेहतर करे, कुछ अलग करे, तो ये वीडियो शूट करने आए थे, तो हमने ये प्रक्रिया अपना ली। बाकी आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी पर दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको बता दूँ, भीम की डाइटिंग की मेरी आज वीडियो है, हर शनिवार की तरह शनिवार मेरी वीडियो आई है। कि क्या आपके पास पाड़ा है और वो अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है? क्या आपका पाड़ा जो आपका बुल है उससे भैंस प्रेग्नेंट होने के बाद भी खाली जा रही है, उसके क्या कारण है? अंडे दे रहे हो, घी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, फिर भी आपकी भैंस खाली जा रही है, उसके अंदर चमक शाइनिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो भीम है, सभी लोग जानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। मैंने डाल रखी है, आई बटन में दे दूंगा, आप देखना, काफी अच्छा प्यार मिला है उसमें आपका, 2.5 लाख व्यूज है उस वीडियो के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रीडिंग वाला जो बुल होता है उसको तैयार नहीं करना होता है। अगर आप उसको तैयार करते हो तो आप उसे मेला नहीं ले जाओगे। मेरे पास दो बुल है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो भीम है इसको मैंने नॉर्मल बना के रखा है। मैं जब इससे भैंस प्रेग्नेंट होने के लिए आती है ज्यादा, अभी ज्यादा मात्रा में आ रही है, मतलब कोई सही दिन खाली जाता है, कभी कभी दो दो भैंस भी, तीन तीन भैंस भी आती है, वो तीन भैंस प्रेग्नेंट होने के बाद भी मेरे भीम से भैंस खाली नहीं जाती है, प्रेग्नेंट रहती है। 90% रिजल्ट है इसका, इससे भैंस प्रेग्नेंट होती है एक ही बार में, वापस नहीं आती है। तो मैं आपको मेरे भीम के बारे में बता दूं, चल भीम खड़ा हो रहा, देख सकते हो इसकी हेल्थ हाइट। अब मैं इसको बता दूं इसको क्या खिलाता हूं मैं। भाई इसको तैयार करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक महीना लगेगा, कैसा ही बोलो आप, आपके पास कैसा ही बोलो, उसको आपको तैयार करना तो एक महीने का टाइम है आपको तैयार करने के लिए। बस आप जो खिला रहे हो वो लगना चाहिए उसको, ऐसा नहीं कि आप घी पिला रहे हो और वो घी पेट में गोबर के माध्यम से बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले उसकी डाइटिंग देखना पड़ता है कि अपने को क्या टाइम में क्या क्या खिलाना है। मैं मेरे भीम को दो ही टाइम खिलाता हूँ, मैं चार टाइम नहीं खिलाता हूँ। मैं मेरे भीम को कभी अंडे नहीं देता हूँ, मैंने अंडे कभी नहीं खिलाए। अंडे क्यों नहीं खिलाए? क्योंकि ज्यादा गर्मी पैदा करोगे तो भैंस के ऊपर बुल तो जाएगा पर भैंस खाली निकलेगी, इसलिए मैं मेरे भीम को बताता हूँ आपको। चला जाता बेटा भीम, हो सकता है मेरी वीडियो लंबी चली जाए पर बहुत सारे लोगों का प्यार है, उनने बोला है कि आप लंबी वीडियो बनाया करो, क्योंकि देखने वाले मेरे कुछ ही लोग हैं जो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, तो मैं पूरी डिटेल के साथ ही वीडियो लाता हूं। अब मैं इसको बाहर लेके चलता हूं, इस पे ऐसे सवारी होती है मेरी, ऐसे चल भीमा, चलो इसकी हेल्थ हाइट आप सब देख सकते हो। अब ऐसा कोई प्रदर्शनी लायक भीमा नहीं है मेरा, काफी सीधा है, ज्यादा तेज नहीं है,
और मेले में ले जाने लायक भी नहीं बनाया कि इसको मेरा बहुत अच्छा बोले इसको मेले में लेके जाऊं। चल बेटा यहाँ बन गया, थोड़ी तेरी वीडियो बना दे यार भीमा। हाँ अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसको क्या करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसका, इसको दो टाइम खिलाता हूँ। खिलाने में मेरा कनक पशुवार चलता है इसको 2 किलो, 1 किलो कपास की खली होती है और 1 किलो चापड़ होता है, 4 किलो एक टाइम का पशुवार होता है इसका। साथ में ज्यादा भूसा नहीं देता हूँ, 5 से 7 किलो के हिसाब से भूसा देता हूँ और 3 से 4 किलो हरा चारा देता हूँ एक टाइम में। उसके बाद में क्या करता हूँ मैं आपको बता दूं। हाँ मैं इसकी जो डिवर्मिंग करता हूँ उसका आप ध्यान रखें, इसकी हर 2.5 महीने में डिवर्मिंग होती है। डेप्टमेट जाइटिस कंपनी का है ड्यूरामेक्टिन जिसके अंदर है, इसकी डिवर्मिंग हर 2.5 महीने में मैं इसी से करता हूँ, इसको 10 से 12 ml लगाता हूँ मैं। अब आप इसको घी खिला रहे हो, अंडे पिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, या मैं कनक पशुवार दे रहा हूँ, क्या क्या दे रहा हूँ, तो वो लगना चाहिए। उसके लिए क्या करता हूँ, आप देख सकते हो मल्टी स्टार, ये भी मैं हमेशा नहीं देता हूँ, जैसे 1 लीटर का पैक है ये एक बार दे दूंगा, 2 महीने नहीं दूंगा, फिर इसको 10 ml डेली देना है मेरे को, 10 ml सुबह 10 ml शाम को। साथ में लीवर टॉनिक है, आप देख सकते हो ब्रोटोन लीवर टॉनिक है, बिरवेक कंपनी की अपने आप में ब्रांड है। अब इसको किस प्रकार देता हूँ मैं आपको, आपके बुल की डिवार्मिंग करना है हर 2.5 महीने के अंतराल में, और डिवार्मिंग भी अच्छी ब्रांड का जो इंजेक्शन है, ड्यूरामेक्टिन ले लो आप, डेप्टोमैक्स ले लो, अब ये ml आता है, ये है अपनी, इसको मैंने दे दिया इसको 10 ml, 10 से 15 ml, इसको ऐसे डाला, क्योंकि जरा सी दवाई होती है इसका देने का तरीका क्या होता है। भीमा आ करो बेटा, इसको मुंह फाड़ा, खोलो बेटा मुंह, आ करो, और इसमें दबा दिया, इसको मैं देता रहता हूँ तो इसकी आदत भी हो गई, कोई परेशानी वाला काम नहीं है। सरसों का तेल और गुड़ मैं मेरे डेयरी फार्म में भैंसों को दफेलों को देता हूँ, उसी प्रकार इसको उसी टाइम देता हूँ। इसको तो ऐसे कोड़ दूंगा मैं, ये लीवर टॉनिक होती है, आ करो वहाँ, ये दोनों को 1 महीने देता हूँ, 1 महीने नहीं देता हूँ, इसको भी 1 महीने देता हूँ, 1 महीने नहीं देता हूँ। होता क्या है कि आप इसको जो भी खिला रहे हो वो उसके पेट के अंदर पचना चाहिए, लगना चाहिए, डिवार्मिंग का ध्यान रखना है। आप अंडे खिलाओगे अतिरिक्त तो और भी कुछ खिलाओगे तो आपका पारा सर्विस तो देगा, फिर आपकी बफेलो खाली निकलेगी। मैंने जो मेरे भीम की डाइटिंग बताई वो मैंने आपको बताई दी, काफ़ी शांत स्वभाव का है आप देख सकते हो, इसकी सवारी भी करता हूँ, लगभग सभी लोग मेरे को इसके नाम से जानते हैं। और इससे मैंने 1 दिन के अंदर मेरे फार्म में 3 बफेलो एक ही दिन में प्रेग्नेंट हुआ ही है, और तीनों ही प्रेग्नेंट निकली और तीनों ने बच्चे दे दिए, और तीनों फीमेल काफ आए हैं, मैंने वीडियो भी डाली थी उसकी। तो 1 दिन में मैं 3 भैंस भी अगर प्रेग्नेंट करवाता हूँ तो इससे प्रेग्नेंट निकलती है, खाली नहीं जाता है। इसका जो चार्ज होता है वो आपको बता दूं, मैं 800 रुपये लेता हूँ बस, इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सा दिन जाता है जब मेरे फार्म पे बफेलो प्रेग्नेंट होने के लिए नहीं आती है, बाकी रोज ही 1 बफेलो मेरे फार्म पे प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। मुझे लगता है जैसे बारिश से सर्दी का जो बीच का अंतराल होता है इसमें पशु हीट पे ज़्यादा आता है, अब हीट पे ज़्यादा आता है तो इसमें कभी कभी 2 से 3 भैंस आ जाती है, क्योंकि मेरे पास मेरा गाँव है पड़ली, बगल का गाँव है जमनी, साइड में है कुलास, और एक है बारबाखेड़ी, कभी कभी टीलाखेड़ी से भी आती है, कभी सीओर से भी बफेलो हो जाती है, फिर ये गांव से आती है, क्योंकि मेरे पास जो भीम है मेरा वो अच्छा ब्रांड है, अच्छा रिजल्ट है उसका, भैंस खाली नहीं जाती है। ओ भाई साहब तुम कहाँ से आया, कुछ बोलो हैं? ये है पप्पू वकील जी से बोलते हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत की जब ये मेरे साथ था, इसी ने हौसला दिया था, मुंडो तो बता दे, मुझे पशु के बारे में नहीं पता था, इसने बोला कि भेद दिखा ला हमें दिलवाने ले चल। मैं बताऊं मेरे डेयरी फार्म खोलने का क्या रीजन हुआ, जो एक मेरा मित्र था जिसने डेयरी फार्म डाला था वो सीओर का था, मेरा मित्र था, तो इसने बोला कि ना यार हमको तेरे मित्र से भेद दिलवा दे,
तो ये पप्पू अजय यार कहीं तो यार सही बात लोग मानेगा नहीं, झूठ बोलियो कि नहीं बोलियो यार, झूठ तो नहीं बोल रही, सही सही हुआ वो सही कीजिए, हाँ नहीं जो सही हुआ वो कहीं सही कीजिए। जब हम गए भैंस खरीदने के लिए तो ये लोग पसंद कर रहे थे भैंस को, एक और महेंद्र मेरे परिवार से, ये भी मेरे परिवार से, इतना सपोर्ट है कि आधी रात को ही मेरे पास आ जाता है और मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तो इन लोगों ने भैंस पसंद करी और हम चाय पी रहे थे, जो मेरा मित्र था मैं बता दूँ बालेश उजला, जिनका फार्मटेक का सियोर में शोरूम था, तो इन्होंने जब भैंस पसंद करी तो बैठे बैठे चाय पीते पीते मुझे ख्याल आया कि यार वाले से ये छह की छह भैंस मेरे को दे दो। तो उसने बोली तू ले जा, मैंने कहा आप भैंस देते हो तो मैं डेयरी फार्म चालू कर देता हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। छह बफेलो मैंने कैसी खरीदी है, जो कि बाखड़ी जो बिगड़ चुकी थी, जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, ऐसी बफेलो को मैंने खरीदी जो कसाई खाने में कटने के लिए जा रही थी। अब जब मैंने वो बफेलो खरीदी तो उनकी जो कीमत थी वो 2,70,000 रुपये, उनने बोला कि 2,70,000 रुपये दूंगा, 3,25,000 कसाई लगा के गया काटने में। मैंने उनको दीनी भैंस बड़ी बड़ी थी, मैंने उनसे बोला कि अगर आपको मेरे को भैंस देना है और डेयरी फार्म डलवाना है मैं डेयरी फार्म डालूंगा, क्योंकि मुझे तो पशु बांधना छोड़ना भी नहीं आता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, आज ही मेरा प्लान बना है। ये 26 जनवरी की बात है, आने वाली 26 जनवरी को डेयरी फार्म खोलूंगा, मुझे 4 साल होगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि मुझे बचपन से या पीढ़ियों से एक्सपेरिमेंट है, नहीं एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। जब हमने भैंस, सही बात है, हाँ सही है, नहीं जब हमने भैंस खरीदी तो मैंने उनको 2,40,000 कीमत बताई, उनने कि यार कम हो जाएगा, मैंने कहा आप दोगे तो इतने में ले जाऊंगा वरना डेयरी फार्म नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरा मामला ऐसा था खोलूँ तो खोलूँ या नहीं खोलूँ। तो उनने बोल दिया ठीक है 2,40,000 में ले जाओ, और 3-4 बच्चे भी साथ में दिए। फिर मेरे पास कई लोग जानने वाले गए, अरे बूढ़ी भैंस है तो तू कैसे भैंस संभालेगा, तो तू कैसे क्या करेगा, तो मेरे घर वालों से मना भी कर दिया। फिर इसने बोला अगर ये भैंस खरीदते हो तो या तो आपकी 6 भैंस में 5 लाख का माल है, ये आपको 20-30,000 रुपये का घाटा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये कोई गाय नहीं है कि आपको भगाना पड़ेगी भैंस से। और उसी दिन हम भैंस का सौदा करके भैंस ले आए अचानक से, और मेरा डेयरी फार्म का स्टार्ट करने का चालू हो गया, मैंने सेटअप चालू कर दिया। इस प्रकार से मैंने भैंस से डेयरी फार्म चालू करा। उसके बाद में ये मैं बात झूठ तो नहीं है कहीं भी, नहीं है, नहीं हाँ भगवान की कसम नहीं है, झूठ है कहीं यार, सही नहीं, सही है नहीं, हाँ सही है, जो बात मैं कह रही हूँ। तो क्योंकि ये मेरे साथ था, हम साथ ही रहे काफी, क्योंकि हम पशुपालक को जो जितने भी गांव में हैं हम सभी पशुपालक लगभग साथ रहते हैं। मैं बताऊं कल दी थी मैंने भीम को ये केलब जेल भी पिलाई थी, ये भी देता रहता हूं। आप जो भी पशु आपका दूध में कम है या जो डाउन है थोड़ा सा आपको लग रहा है तो ये एक बॉटल आप पिला सकते हो, काफ़ी अच्छा दूध में भी प्रोडक्शन होगा, पशु के अंदर साइनिंग चमक भी बनी रहेगी। तो मैं जो वीडियो लेके आया हूँ भीम की डाइटिंग पिलाया हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो कमेंट भी करते थे कि दादा बहुत बोलते हो बहुत बकवास करते हो, तो मेरी वीडियो का एक ब्लॉग टाइप का है, आपको अच्छा लगे मेरे से जानकारी चाहिए या मैं आपको हर कुछ बता दूं पढ़ के सीख के, तो मेरी बातों से आपको लगता होगा कि मैं ना तो स्क्रिप्ट तैयार करता हूं ना पढ़ता हूं, मैं मेरे फार्म में जो करता हूं मैं वो बताता हूं। अगर मेरे हिसाब से आप फार्म चलाना चाह रहे हो या मेरे जैसा डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हो तो मैं इस हिसाब से मेरे पशुओं को रखता हूं। मैंने भीम की डाइटिंग बताई है कि मैं इसको 2 किलो कनक पशु आहार, साथ में 1 किलो खल और 1 किलो चापड़, इसका 1 टाइम का 4 किलो पशु आहार देता हूँ, 2 टाइम खिलाता हूँ, साथ में 5 से 7 किलो भूसा देता हूँ टाइम में, और 3 किलो हरा चारा देता हूँ, ये इसकी डाइटिंग है। सबसे पहले आपका जो भी बुल है उसकी आपको डिवार्मिंग करना है, वो भी डेप्टोमैक्स से करना है, ड्यूरामैक्सिन जिसके अंदर है जोइटिस कंपनी का, आपको उससे डिवार्मिंग करना है। उसके बाद में आपको मैंने जो बताया ट्रीटमेंट वो देना है। आप जब भी आपके डेयरी फार्म में भैंस हो या गाय हो कैल्शियम दे रहे हो तो बुल को आपका कैल्शियम भी देना, जैसे इसको कैल्शियम देता हूँ मैं, ये मेरा बुल है, इसकी भी मैं परफॉर्मेंस साथ में डाइटिंग की वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करोगे तो, क्योंकि मेरी वीडियो कमेंट पे होती है। अभी रामजी भाई ने हो रुपेंद्र भिलाला जी की कमेंट है, उनके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ मैं, तो इससे कम से कम 12 से 14 बच्चे आ चुके हैं, वो भी फीमेल काफ है, मेल काफ नहीं आया अभी तक, इसका रिकॉर्ड है कि इससे मेल काफ नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग इसका बच्चा मांग रहे हैं, इसका जो भी बच्चा होगा वो हमको दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आप देखते हो काफी खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं वो इसी के हैं, जबकि माँ क्या है और बाप क्या है, तो लगभग सभी बच्चे बाप पे जा रहे हैं, फीमेल काफ आ रहे हैं। तो मैं इसकी डाइटिंग इसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, आप लोग कमेंट करते हो तो, आप लोग उसमें प्यार सपोर्ट दिखाते हो तो। हाँ मैं वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी ये गाय ने बच्चा दिया है, एक बच्ची आई मेरे पास बफेलो ने दिया, सभी लगभग सभी लोगों को पता है इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ प्रीतम साकला राजपूत के नाम पे, तो मेरी हाँ उसमें बताता रहता हूँ कि अभी तक मेल काफ नहीं आया, फीमेल काफ है मेरे हमने बहुत चिल्ला रही, अरे तुम तो तुम्हें भी सूझ पड़ रही कहीं है, हम यहाँ वीडियो बना रही है कुछ लोग देख लेगा तुम्हें पसंद कर लेगा तो तुम यहाँ डांटा करता बन नहीं है। तो
राज भाई वीडियो कितने मिनट की हुई बोल दो। 15 मिनट पे मेरी वीडियो चली गई है, लंबी चली गई है मान रहा हूँ मैं। और एक और मेंबर आया है मेरे फार्म में, बता दूँ एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। ओ छोटे मिलखा आओ हाथ दो। ओ ये छोटा मेंबर है एक, ये भी है, इसका नाम भी मिल्खा रखा है मैंने, क्योंकि मेरा मिल्खा एक्सपायर हो गया था, जर्मन शेपर्ड था, काफी अच्छा था, इसलिए एक ये भी मिल्खा का बेटा है। मैं बता दूं मेरा मिल्खा कैसे मरा। मेरा मिल्खा जो मरा है वो आवारा कुत्तों ने मार दिया उसको, ब्रीडिंग के चक्कर में, क्योंकि कुत्तों की ब्रीडिंग आपको पता है कैसे होती है, उस प्रकार से वो उलझा हुआ था और साथ में 4-5 कुत्तों ने मार दिया, तो मेरे पास उसका बच्चे हाथ में आया है बस, बाकी वो चला गया। साथ में जो मेरे बुल है, काओ का जो बुल है, गाय गाय हुआने के लिए प्रेग्नेंट वाले, उसके आप बच्चे देख सकते हो कितने खूबसूरत है। ये उसका रिजल्ट है, अभी तक मेल काफ नहीं आए हैं, लगभग सभी फीमेल काफ हैं। तो और 10 पशु पर रिजल्ट लेने के बाद में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे बुल से मेल काफ नहीं होगा, फीमेल काफ ही आ रहा है, अभी तक फीमेल ही है। वीडियो लंबी जा रही है इसलिए वीडियो को रोकना चाहूंगा, और मैंने जो वीडियो बनाई है वो रुपेंद्र भिलाला और रामजी यादव आपके लिए, आपके कहने से वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को रामजी भाई आपको तो सबको शेयर करना ही है क्योंकि आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और आप लोग कमेंट कीजिए, अगली वीडियो हो सकता है आप लोगों की सभी की कमेंट के ऊपर में, हर कमेंट जो कमेंट होगी उसका सवाल का जवाब मैं वहीं आपको दे दूंगा। तो मेरा वीडियो बनाने का तरीका यही होता है, एक ब्लॉग के टाइप में वीडियो बनाता हूँ मैं। भीम की डाइटिंग मैंने आपको बताई है, भीम की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई है, कहो तो और आपको उसके बारे में बता दूँ कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है उसकी, क्योंकि काफ़ी सीधा है वो, सबसे बड़ी बात तो वो है। तो वीडियो लंबी हो गई बहुत है, चलो ठीक है लंबी हो गई, जहाँ तक देखना हो आपकी मर्जी देखना, डेयरी फार्म भी विजिट करवाऊंगा आने वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे घंटी पे दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय श्री महाकाल, जय राम जी की।